हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर भर्ती परीक्षा से संबंधित हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कि आपको बता दें कि सैकड़ों हजारों उम्मीदवारों की जो एक तरह से आशा है वो टूट गई है। आपको बताएंगे कि किस संबंध में ये याचिका लगाई गई थी और याचिका पर जो फैसला आया है उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा या अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज है एवं जो हमारी कक्षाएँ हैं, नोट्स हैं, वो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। उनको देखिए, सोचिए, कंपेयर करिए और ऑर्डर करने के लिए, प्रिंसिपल का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9685705712 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए ये हमारा ऑल इन वन स्टडी पैकेज है, आप इसको ऑर्डर करिए। ये आपकी अपकमिंग सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको हेल्प करेगा, चाहे MPSI भर्ती परीक्षा हो, पुलिस आरक्षक हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो या फिर आपकी अन्य व्यापम की परीक्षाएँ हों। ये ऑल इन वन स्टडी पैकेज है, कंप्लीट स्टडी पैकेज है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज का लेवल आप देख ही सकते हैं, जिसमें आपको चुने हुए प्रश्न जो कि जिनका लेवल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस तरह से ही है। और आपको बता दें कि ये जो प्रश्न हैं निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। और आप अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको देखिए, सोचिए, समझिए और ऑर्डर करिए, ज्वाइन करिए। चलिए बात करते हैं आज हाई कोर्ट के फैसले की। आपको बता दें कि यह जो याचिका है वो लगाई गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि आपकी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के लिए भर्तियाँ निकली हैं या अन्य जो भर्तियाँ हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय तक वो जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि कई तरह के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, PGDCA, CPCT, इस तरह से अगर हैं तो उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। तो इसी के संबंध में ये याचिका लगाई गई थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं और उनका कहना था कि उन्हें जो है इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि आप देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं की इस याचिका को डिसमिस कर दिया और कहा है कि जिस तरह से जो आपकी रूल बुक है उसमें जो शर्तें दी गई हैं कि कम से कम जो है, जैसे कि लिखा हुआ है, वेयर इन इट इज़ हेल्ड दैट द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड शुड बी फुलफिल्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बता दें कि ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, तो इससे सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट गई हैं जो कि लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर में थे। आप समझ गए होंगे कि जिनके पास जो डिग्री हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, उन्हीं को इसको फिल करने का मौका मिलेगा, जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रिंसर की ये टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज की खासियत यही है कि आप अपने जो वीक सेक्शंस हैं उन पर वर्क कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप मेन जो एग्ज़ाम है उसमें जाने से पहले अपनी गलतियां, कमियों और खामियों को पहचान के दुरुस्त करके एग्ज़ाम में शामिल हों। अन्यथा वही होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है और आप सभी जानते हैं जहां पर लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और पिछले 4 साल से भर्तियाँ नहीं आई हैं, तो आप इसमें मेरिट की जो अपेक्षा है आप ये समझ लीजिए कि 90% जो है मेरिट जानी ही जानी है, 85% से कम नहीं रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उस पर आपने देखा होगा कि कट ऑफ 80+ रहा, तो तब 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब 200 नंबर का है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपका 80% प्लस तो रहना ही है,
85% से 90% के बीच में मेरिट रहेगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और जहाँ तक बात करें तो आपकी अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी या जो भी अन्य आपकी कहना चाहिए कैटेगरी हैं, उसमें भी कट ऑफ निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नियम समझ में नहीं आ रहे हैं, कौन सा नियम कब बदल दिया जाए, किसके लिए क्या तर्क दे दिया जाए। तो अन्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी तैयार रहना होगा। तो ये टेस्ट पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे, आप इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। बाकी जो अपडेट थी सबसे बड़ी वो आपको मैंने दे दी है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।